हेलो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, आप अपने रियल मी डिवाइस या फिर कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस है आप सभी का, तो आप उसको विंडो कंप्यूटर की तरह कैसे कन्वर्ट करें। आप सभी मेरे फ़ोन को देख सकते हैं सिंपली, तो यहाँ से स्टार्ट मेन्यू क्लिक करता हूँ तो मेरा ऐप ड्रॉअर खुल जाता है। यहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन और अपना नोटिफिकेशन पैनल सिंपली देख सकते हैं, और यहाँ से आप सभी दिस पीसी भी देख सकते हैं। यहाँ से आप सभी का फाइल मैनेजर खुलता है। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से अपने फ़ोन को कन्वर्ट करना, तो इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, अपने प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पे ओपन करते हैं, यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है कंप्यूटर लॉन्चर 2। तो कंप्यूटर लॉन्चर आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये आप सभी की एप्लीकेशन 9 MB की होने वाली है और इसकी रेटिंग 4.7 की रेटिंग है। सो गाइज, इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, और ये सिंपली इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे इसे ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक करते ही आप सभी का लॉन्चर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, लग जाएगा इसको। अब मैं इसमें आप सभी को कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ, वो सेटिंग करने के बाद ही वीडियो को सोचना है स्किप करने के बारे में, क्योंकि इसको डिफ़ॉल्ट करने की सेटिंग में आप सभी को नहीं पता चलेगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पर होम स्क्रीन पर क्लिक करोगे, आपका वापस वही खुल जाएगा। तो आप सभी को डिफ़ॉल्ट कैसे करना है और इसका स्टार्ट मेन्यू को अनेबल कैसे करना है, नोटिफिकेशन अनेबल कैसे करना है, सारी सेटिंग देख कर ही जाना। तो सिंपली सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू जो आप सभी का, उसको अनेबल करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप सभी को क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। यस पे करने के बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही आप सभी का यहाँ पे ऐप ड्रॉअर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सभी का हमेशा ऐप ड्रॉअर ओपन होने वाला है। तो ये मेरा ऐप ड्रॉअर ओपन हो गया। अब यहाँ से आप सभी को इस कॉर्नर पे देख रहे होंगे मैसेज का निशान, इस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी को क्या देखने को मिलेगा, आप सभी का नोटिफिकेशन पैनल पूरी कस्टमाइजेशन के साथ दिख जाएगी। तो आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, इसको अप डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक अलाउ मांगेगा, इसको अलाउ कर देना है। इसे अलाउ करने के बाद आप सभी का क्या होगा कि यहाँ पे आप सभी का नोटिफिकेशन का एक्सेस इसे मिल जाता है। ये आप सभी का नोटिफिकेशन को सारे कस्टमाइजेशन करने के लिए अलाउ हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे अनेबल करते ही आप सभी को क्या होगा कि आप सभी को यहाँ से बोलेगा कि इसे अलाउ कर लीजिए कि आपका जो भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे दिखे, तो उसके लिए अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे इसको बैक करके होम पे आते हैं तो होम दबाते ये वापस मेरा पुराना हो जाएगा। तो आप सभी को डिफ़ॉल्ट कैसे करना है उसको भी बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आप सभी को इसको ओपन करना है वापस। वापस से ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं वो ऑप्शन हट गया, यहाँ पे आप सभी का नोटिफिकेशन अब शो होगा। तो अब आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दबा के रखना है प्रेस करके, तो ये एक सेटिंग खुलेगी। सेटिंग खुलने के बाद आप सभी क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे जाना है सिक्योरिटी के नीचे वाले पे, सिस्टम वाले पे। तो यहाँ पे आप सभी को डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेटिंग दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ यस पे क्लिक कर लेना है। यस पे क्लिक करते ही आप सभी को यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को कंप्यूटर लॉन्चर 2 को डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप होम स्क्रीन दबाएंगे तो भी आप सभी का यही वाला लॉन्चर रहने वाला है, यह हटेगा नहीं। सो गाइस, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक की सेटिंग। अब आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलता है दिस पीसी। अब दिस पीसी में आप खोलते हैं तो आप सभी का फाइल मैनेजर खुलने वाला है। तो यहाँ पे इसको कुछ नाम दे देना अपने हिसाब से, जो भी आप सभी को सही लगे उसको नाम देके ओके कर देना। ओके करते ही आप सभी का यहाँ पे लोकल डिस्क सी ड्राइव दिख रहा होगा, तो ये वाला ड्राइव जो है ये आप सभी का फाइल मैनेजर है। अगर आपने मेमोरी लगाई होती तो वो डी बन जाता है, और नहीं लगाई है तो ये आप सभी का सी सिंपली एक देखने वाला है। और यहाँ से आप बैक कर ले सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को एक बैक का वो नहीं देखने वाला और कुछ नहीं, यहाँ से आप कर सकते हैं बैक, बट आप सभी को बैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ से काट देना, कट गया। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ मेरा नोटिफिकेशन है, यहाँ शो हो रहा है सिंपली। तो यहाँ पे आप सभी रिमूव भी कर सकते हैं यहीं से। सो गाइज, ये तो था हमारा विंडो फ़ोन। सो गाइज, आप सभी देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है। आप इसको यूज़ कीजिए, आप सभी को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ।